जो भी खर्चा आप करते हैं उसका एक रिकॉर्ड रखिए, उसके बारे में समझिए, इसको थोड़ा और आगे जाके स्टडी कर सकते हो आप, और आपको पता चलेगा कि आप हेलो और नमस्ते पेचेक ब्रोज, मैं हूँ मनीष आहुजा और ये है पेचेक टू प्रॉफिट इंडिया का पहला यूट्यूब चैनल जो बात करता है आपके साथ आपके ही फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। इस चैनल पे मैं नए वीडियोस बनाता हूँ हर 4th, 14th और 24th तारीख को, जिसमें मैं आपके साथ बात करता हूँ अपने पेचेक को कैसे अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ कन्वर्ट करें, कैसे अपने पैसों को बढ़ाएं, कैसे अपने पैसों को मैनेज करें, किस जगह पे इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, इक्विटी फंड्स क्या होते हैं, इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करना क्या होता है, इंश्योरेंस कौन सा लिया जाए, कैसे लिया जाए। मैं पिछले 8-10 महीने से वीडियोस बना रहा हूं, तो आप अगर आज पहली बार इस चैनल पर हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशंस मिलती रहे, क्योंकि 2019 एंड पे आ रहा है और ये साल का आखिरी वीडियो। मैं इस वीडियो में आपके साथ बात करना चाहूंगा 5 ऐसी आदतों के बारे में जो आप अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं, और इनमें से हर आदत का आपके लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये आपको अपने पैसे बचाने में, पैसे मैनेज करने में और की तरफ ध्यान देने में ज्यादा मदद करेंगे। तो मेरा पहला टिप आपके लिए ये है कि आप अपने सारे सब्सक्रिप्शन सर्विसेज को जरा मैनेज करें। इसके बारे में मैंने पिछली बार भी एक वीडियो बनाया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए, जहां पे उस वीडियो का लिंक दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको इसके बारे में एक छोटा सा रीकैप दे देता हूँ। आपके पास वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज की सब्सक्रिप्शन है, ऑडियो स्ट्रीमिंग या म्यूजिक सब्सक्रिप्शन की सर्विसेज है, आपने किसी तरीके की ईमेल सर्विस ली होगी जिसके लिए आपने पैसे दिए हैं, या आपने कोई कोर्स खरीदा होगा जिसके लिए आपको एक रिकरिंग फीस भरनी पड़ती है, फूड डिलीवरी, मिल्क डिलीवरी, दुनिया भर की चीज़ें आज की तारीख में सब्सक्रिप्शंस पे मिलती है। तो एक इन सब्सक्रिप्शंस को अगर आप अच्छे से मैनेज करेंगे तो आप हर साल कुछ पैसे ज़रूर बचा सकते हैं। इसके डिटेल्स के बारे में जैसे मैंने कहा, मेरा पिछले वीडियो देख लीजिए और आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 2020 के लिए दूसरा टिप जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि आप अपनी पेचेक में से, अपनी सैलरी में से सबसे पहला भाग अपने आप को पे करें। सपोज आप अगर महीने के 1000 रुपये कमाते हैं तो उसमें से 50 या 100 रुपये सीधा सीधा जैसे ही आपके पेचेक आपके अकाउंट में डेबिट होती है उसमें से आप 50 या 100 रुपये लीजिए और एक दूसरे बैंक अकाउंट में डाल दीजिए। इस पैसों को आपको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, इसको आपको बिल्कुल खर्च नहीं करना है। ये सारे पैसे जो जमा होंगे आपके एक दूसरे सेविंग्स अकाउंट में, ये आगे जाके आपको आपके रिटायरमेंट के समय पर काम आएंगे। इसको रिटायरमेंट फंड्स भी कहते हैं और एक बहुत पॉपुलर आइडिया है, और हर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक में या अगर कहीं पर भी आप कोई भी इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो आपको ये आइडिया ज़रूर मिलेगी। तीसरी आइडिया जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि आने वाले साल में 2020 में आप अपने साथ एक प्रॉमिस कर लीजिए कि आप जो भी एक्सपेंस करेंगे, जो भी खर्चा करेंगे, एक बजट के हिसाब से करेंगे, या हर खर्चे को आप एक बजट करेंगे। जो भी खर्चा आप करते हैं उसका एक रिकॉर्ड रखिए, उसके बारे में समझिए, इसको थोड़ा और आगे जाके स्टडी कर सकते हो आप, और आपको पता चलेगा कि आपके स्पेंडिंग का पैटर्न कैसा है, किन चीज़ों पे आप ज़्यादा खर्च करते हो, किन चीज़ों में आप अपना खर्च थोड़ा कम कर सकते हो, कैसे आप अपने खर्चों को और अच्छे से मैनेज कर सकते हो। ये सब चीज़ें करने के लिए सबसे पहला स्टेप आपका ये है कि अपने सारे एक्सपेंसेस को आप बजट कीजिए। और 2020 शुरू हो ही रहा है तो एक नया छोटा सा बुक ले लीजिए, उसमें सारे खर्चे रिकॉर्ड करना चालू कीजिए, और थोड़े ही हफ्तों में आपको इसका फ़ायदा और इसका इम्पैक्ट आपको ज़रूर आपके लाइफ में नज़र आएगा। चौथी पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि अपने इन्वेस्टमेंट्स पे फोकस करना शुरू कीजिए। ये आपको बहुत सिंपल टॉपिक लगता होगा या आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लग सकता है, डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्टमेंट्स में किस लेवल पे खड़े हो। अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट्स बहुत डिफिकल्ट है तो हमारे पिछले वीडियोस चेक कीजिए, जहाँ पे मैंने आपके साथ मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात की है, जैसे कि इक्विटीज़ क्या होता है, इंश्योरेंस कौन सा लेना चाहिए, क्या इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट एक्चुअली होता भी है या नहीं, और म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट किया जाए। तो ये सारी चीज़ों को समझना, अगर आप एक साथ समझने की कोशिश करोगे तो बहुत डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा करके एफर्ट डालोगे और अपने पैसों को इन्वेस्ट करोगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सारे इन्वेस्टमेंट्स आपको भरपूर रिटर्न्स देंगे और आपके लाइफ के फाइनेंशियल जर्नी को काफ़ी स्मूथ बना देंगे। तो वैसे भी 2020 शुरू हो ही रहा है तो इन्वेस्टमेंट्स को भी 2020 के साथ शुरू कीजिए।
और मेरी आखिरी पॉइंट जो आपको मैं शेयर करना चाहूँगा, मेरी पांचवी पॉइंट 2020 के लिए जो आपको आपके फिनेंशियल फ्रीडम की तरफ या आपको फिनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ ले जाएगी, वो ये है कि आप अपने आप में इन्वेस्ट कीजिए। जब मैं कहता हूँ कि इन्वेस्ट इन योरसेल्फ या अपने आप में इन्वेस्ट कीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ नया सीखिए। अपने कॉलेज या अपने मास्टर्स के बाद में क्या कुछ नया सीखा है, या अगर सपोज आप एक इंजीनियर हैं और आपने इंजीनियरिंग के बाद एक MBA या मास्टर्स किया है साइंस में, उसके बाद क्या आपने अपने लिए कुछ नया सीखा है? कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए, भले वो कुकिंग हो या गिटार बजाना हो या कोई भी ऐसी हॉबी जो आपने हमेशा अपने बारे में सोची है, उसके बारे में थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए अपने आप में। अब थोड़ा पैसों के साथ, थोड़ा टाइम के साथ इन्वेस्ट कीजिए, गार्डनिंग कीजिए। हम आज की तारीख में बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आप अपनी खुशी के लिए करोगे, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए करोगे, उसका ओवरऑल इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप्स पे, आपके पीस ऑफ माइंड पे, आपके मेंटल हेल्थ पे भी नज़र आएगा। नए साल के साथ ये नई शुरुआत ज़रूर कीजिए, और आपको इसका इम्पैक्ट अपने लाइफ में अगर नज़र आए तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये सारी पॉइंट्स पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए आपको सबसे ज़्यादा कौन सी पॉइंट पसंद आई। उसके अलावा अगर आपके खुद के कोई सुझाव हो या आपके पास कोई ऐसी पॉइंट्स हो जो आप अपने लाइफ में इनकलकेट कर चुके हो और जिसके वजह से आपकी लाइफ का फिनेंशियल बैलेंस या फिनेंशियल डिसिप्लिन सुधर गया है, तो प्लीज़ कमेंट्स में हमारे साथ आपके सजेशन शेयर कीजिए। उसके अलावा अगर आपके कोई भी सुझाव हो या आपके पास कोई भी आइडियाज़ हो या आपके पास कोई भी सवाल हो, तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइए आपको किस तरह के वीडियोज़ देखना पसंद आएगा या आपके पास कौन से सवाल है जिसके ऊपर मैं वीडियोज़ बना सकता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने सारे सोशल मीडिया चैनल्स पर शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पेचेक टू प्रॉफिट के बारे में पता चल सके, वो अपने पैसों को कैसे मैनेज करना है वो समझ सकें और वो अपने फाइनेंशियल की तरफ बढ़ सके। मैं आशा करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी आने वाले अगले साल में, मतलब आने वाले अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी 2020। अपने चाहने वालों का ध्यान दीजिए और खुश रहिए। कचिंग।